हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे लंजा सब कुछ छोड़कर ब्यूरियल माउंड में विंग से मिलने और उसके साथ रहने आ गया था और अपने प्यार का इजहार किया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा और सुना है तो मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो अब और देर ना करते हुए मैं आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। नाश्ता करने के बाद विंग और लंजा अपने अपने कामों में लग जाते हैं कि तभी दोपहर के समय आईयुआन लंजा से खिलौने दिलाने की जिद करता है और उसके पैरों को पकड़ के वहीं बैठ जाता है, जिसे देख विंग बहुत जोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरा लंजा कितना सीधा है कि एक बच्चा भी उसे डरा देता है। इसी पर हंसते हंसते विंग अपने बेड से गिर जाता है, जिसे लंजा देख लेता है और उसके होठों पर भी एक प्यारी सी हंसी आ जाती है। फिर दोनों बाजार जाने के लिए सोचते हैं तो विंग वेनिंग और वेंकिंग को भी अपने साथ चलने को कहता है। पहले तो वेंकिंग मना कर देती है ये सोचते हुए कि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, फिर दोनों के दोबारा कहने पे वो मान जाती है। सब मार्केट में यहाँ वहाँ घूमते हैं, खाना खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। आयुआन को भी बहुत सारी चीज़ें दिलाते हैं। लंजा भी वहाँ पे विंग को दो बनीज का पेयर दिलाता है, जो एक वाइट और एक ब्लैक होता है। विंग उसे पाकर बहुत खुश होता है। तभी वेंकिंग घबरा के चिल्लाने लगती है, आनिंग तुम कहाँ हो। दूसरी तरफ वेनिंग एक दुकान के सामने एक सुनहरे धनुष को देखकर वहीं पे खड़ा रह जाता है और उसे देखता रहता है। वो उसे खरीदना चाहता है क्योंकि वेनिंग को आर्चरी का बहुत शौक होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है अपनी बहन से पैसे लेने के लिए तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो ये भूल ही गया था कि सब आगे निकल चुके हैं और उन्हें उनके साथ निकलना है। तभी वो घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है और उनको ढूंढने लगता है कि तभी एक फूल वाले से टकराकर वो जैसे ही गिरने वाला होता है कि कोई एक इंसान जो काले और भूरे रंग के कपड़ों में होता है फौरन उसको उसकी कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। वेनिंग उसको देख के देखता ही रह जाता है, तुम ठीक हो। वहीं एक दूसरा इंसान जो सफ़ेद कपड़ों में होता है उससे पूछता है। क्योंकि वेनिंग उस पहले इंसान को देखने में खोया होता है तो वो उसकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता है। तभी वो इंसान जिसने वेनिंग को पकड़ा होता है उसे उठने में सीधा खड़ा करने में मदद करता है और उसे पूछता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। वेनिंग अचानक से अपने होश में आता है और कहता है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, और मेरा नाम वेनिंग है। इस पे वो दोनों भी अपना अपना परिचय देते हैं कि मैं सोंगलांग हूँ और ये शाओशिन चैन, हम गुरुमा बाओशन सरसारन के डिसाइपल हैं। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप हमें यहाँ कोई रहने की जगह ढूंढने में मदद कर सकते हैं, हमें यहाँ कुछ दिन रहना है। इस पे वेनिंग घबराते हुए कहता है कि वो मैं खो गया हूँ और अपने दोस्तों और बहन को ढूंढ रहा हूँ। वैसे मैं यहाँ कई बार दिन के समय में आया हूँ लेकिन रात में मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। अच्छा बस इतनी सी बात, इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्या तुम हमें बता सकते हो वो कैसे दिखते हैं, सोंगलांग हंसते हुए पूछता है। उसमें एक मेरी बहन होगी, एक काले और सफ़ेद कपड़ों में दो लड़के होंगे जो हाथों में हाथ डाले चल रहे होंगे, एक बच्चा होगा जिसके हाथ में एक बहुत सारे थैले होंगे। ये बात वेनिंग बिना रुके बिना डरे एक ही सांस में बता देता है। तभी शाओशिन चैन बहुत ऊपर उछलता है और सबसे ऊंची इमारत की छत पर जाके खड़ा हो जाता है और चारों तरफ देखता है कि तभी उसे दो गली पीछे वैसा ही एक ग्रुप दिखाई देता है। वो वापस उतरता है और उन सबको लेके वहाँ चला जाता है। जी जे, वेनिंग चिल्लाते हुए वेंकिंग के गले लग जाता है, कहाँ चले गए थे तुम, हम सब कितना डर गए थे, सब जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया मेरे भाई की मदद करने के लिए और उसे यहाँ तक लाने के लिए, वेंकिंग उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए बो करती है। शिनचंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कि तभी वेनिंग लंजा आयुआन के साथ वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों उनको देखकर पहचान जाते हैं और उनको ग्रीट करते हैं, हेलो मास्टर सोंग एंड मास्टर शिनचैन। वो भी विंग और लंजा को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, हमें लगा नहीं था कि हम फिर से इतनी जल्दी मिलेंगे, हम यहाँ से गुजर रहे थे और रहने की कोई जगह ढूंढ रहे थे, वैसे तो हम यहाँ पे आप दोनों से ही मिलने आए थे। उस पे विंग कहता है, अगर आपको ब्यूरियल माउंट्स में कदम रखने से डर नहीं लगता तो आप हमारे साथ भी रह सकते हैं। ऐसे कह सुनते ही सोंगलांग वेनिंग की तरफ एक नज़र देता है, उसे देखता है जो अभी भी अपनी बहन की बाहों में था और मुस्कुराकर विंग से बोलता है, हमें अच्छा लगेगा। सोंगलांग और शाओशिन चैन कुछ दिन ब्यूरियल माउंट्स में ही रहते हैं, जिस पे वेनिंग सबसे ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो हर थोड़ी थोड़ी देर में उनसे पूछने जाता रहता था कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं, ख़ास तौर पर सोंगलांग से।
अपने भाई को इतना खुश देखकर वेन किंग भी बहुत खुश थी। वही आई युआन उन बनीस के लिए नया घर बनाने में बिजी था जो लिंजा ने विंग को दिलाया था। तभी विंग आता है और कहता है, आई युआन अब तुम इन बनीस को कुछ लाकर भी खिलाओ, ये यहाँ वहाँ सारा दिन भागकर थक गए होंगे। ऐसा कह के आई युआन को वेन किंग के पास भेज देता है और खुद खरगोशों को पकड़ने के लिए जैसे ही मुड़ता है वो देखता है कि लंजा ने पहले से ही उन दोनों बनीस को पकड़ लिया था और उन्हें गोद में रखकर खेल रहा था। अरे वाह लंजा, तुमने तो पहले से ही इनको पकड़ लिया, वो मुस्कुरा के कहते हुए आगे बढ़ता है और लंजा के पास जाके उन दोनों बनीस को उनके नए घर में रख देता है। लेकिन जैसे ही दोनों बनीस अंदर जाते हैं कुछ होता है। वाइट बनी एकदम से कूद के ब्लैक बनी के ऊपर चढ़ जाता है और इंटीमेट होने लगता है और ब्लैक बनी को बुरी तरह से दबाने लगता है। ये सीन देख के तो विंग जोर जोर से हंसने लगता है, मानो उसका पेट ही फट जाएगा हंसते हंसते। और यहाँ लंजा के कान शर्म से लाल हो जाते हैं। शेमलेस, लंजा ने कहा। हंसते हुए विंग ने पूछा, कौन तुम और ये बनी दोनों, और कौन तुम तो मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो लंजा? और विंग लगातार हंसे जा रहा था। लंजा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर विंग ने लंजा के उतरे हुए चेहरे को देखा तो हंसना बंद किया और कहा, लंजा ये दोनों मेल हैं, तुम्हें पता है ना? और ऐसा कह के वो लंजा को छेड़ने लगता है कि तभी लंजा मुड़ता है और विंग को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और फ्लर्टी आवाज़ में स्मर्क करके बोलता है, तो फिर? विंग और शरारती होता है और लंजा को कहता है, वो इंटीमेट हो रहे थे, वो तुमने देखा था ना? इस पर लंजा और विंग को खींचता है अपनी तरफ और कहता है, तो फिर? विंग ने अपने दोनों हाथों को लंजा के कंधों के चारों तरफ घेरा लगा के पकड़ लिया था और पूछा कि हम ऐसा कब करेंगे। तभी आयुयान वहाँ आ जाता है और दोनों को ऐसे देखकर वहीं खड़ा रह जाता है। इस पर विंग लंजा को छोड़ता है जो अभी भी शर्म से पानी पानी हुआ हुआ था। विंग उसके पास जाता है और कहता है, आयुयान अब तुम इन बनीस को कुछ खाना खिलाओ, इनकी बहुत सारी एनर्जी अभी जस्ट ख़त्म हुई है तो इनको एनर्जी चाहिए। ये कह के विंग हंसने लगता है और लंजा भी उसको ऐसे देखता है जैसे अभी उसे मार देगा। आयुयान अपने प्यारे बनीस को खाना खिलाने चला जाता है और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग के दिमाग में अभी भी बहुत सारी शरारतें आ रही थी तो वो फौरन बेड पे जाके सो जाता है और पाउट बना के बहुत ही मासूमियत से लंजा से कहता है कि मैं थक गया हूँ, मेरे कपड़े बदलने में मेरी मदद करो ना लंजा। विंग को ऐसा करते देख लंजा बहुत खुश होता है और मुस्कुराता है। फिर बड़े आराम से विंग को उठाता है और उसके आउटर लेयर को उतार के बड़े सलीके से तय करके साइड में रख देता है। और जैसे ही वो उसके कपड़े बदलकर उसको दूसरे कपड़े पहनाने लगता है कि अचानक लंजा के हाथ विंग के सीने को छू जाता है, जिस पे विंग सॉफ्टली मौन करने लगता है। लंजा उस पर ध्यान न देने का सोचता है पर विंग लंजा को छेड़ने के इरादे से लगातार हल्की हल्की आवाज़ें मौन करता रहता है, जिससे लंजा का खुद पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो विंग की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं करना चाहता था। फिर वो विंग के लिप और उसके फोरहेड पे एक सॉफ्ट से किसिस करता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। विंग भी प्यार से लंजा के सीने पे अपना सिर रखकर सोने के लिए आ जाता है और धीरे धीरे खुद से ही बोलने लगता है कि ये मेरा फडी डडी कब मेरे साथ इंटीमेट होगा, कब मुझे ये खुद पर पूरा हक देगा। विंग को पता नहीं था कि लंजा विंग की सारी बातें सुन सकता था और उसने सुन भी ली थी और वो मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरा विंग भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड रिसेसिस में आधी रात हो चुकी थी। वैसे तो ये लैंड क्लैन के नियमों के खिलाफ था देर रात तक जगना, वो भी 9 बजे के बाद, लेकिन लैंड क्लैन इसकी परवाह नहीं कर रहा था क्योंकि उसका प्यारा लांग बांग जी अभी तक ब्यूरियल माउंट से वापस नहीं आया था और वहीं उसका बड़ा भतीजा लैंड शिचैन वो भी बाहर गया हुआ था दूसरे लैंड सेक्ट के लीडरों से मिलने के लिए। उसको शाम तक आ जाना था लेकिन वो भी अभी तक नहीं आया था कि अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। अंकल, आह आ गया लैंड शिचैन, लैंड क्लैन सोचता है और बोलता है, आ जाओ अंदर। जैसे ही लैंड शिचैन अंदर आता है वो अंकल को देख के उसे बो करता है तो वो कहते हैं, वांग जी अभी तक ब्यूरियल मांड में क्या कर रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं लौटा, क्या उसने वही रहने का इरादा कर लिया है? परेशानी से भरे चेहरे से लैंड क्लैन पूछता है।
हालांकि उसने देखा कि लैंड शिचैन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। इतने में ही लैंड शिचैन बोला, अंकल वांगजी वापस नहीं आने वाला। वांगजी ने वहीं रहने का फैसला किया है क्योंकि वो मास्टर वेई से बहुत प्यार करते हैं। क्या? लैंड किरण चिल्लाते हुए पूछता है और लगभग वो ये सब सुनकर बेहोश ही होने वाला था कि उसका सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे डिसिप्लिन भतीजा एक ऐसे इंसान के साथ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है और सबसे ज़्यादा परेशान करता है सबको। उनका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और जब थोड़ी देर में लैंड कुरान खुद को संभालते हैं तो आगे क्या कहना है, क्या करना है, इसको सोचकर वो बोलते हैं, मुझे वहाँ लेके चलो वांग जी के पास, अभी इसी वक्त, ये मेरा हुक्म है। तो गाइज आज यही मैं हमारा स्टोरी का एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट को पूरा करती हूँ। मुझे तो स्टोरी को एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें लंजा और वीन के बहुत सारे लवली मोमेंट्स हैं, तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। इसलिए तो गाइज मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने थॉट्स और अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। और साथ में ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।